Sarakadarakshadham Leelayavadirana Salmeel Mangabatmavarasamata Venkateswara Swami Devadamrasyaha Devadeviyaha Batmavadanakyaha Janadhav Navadal Sankalpa Varakvarmahat Savakarmana Sarama Parihararadham Navakal Samandalaradhan Krishepratapataha Vasudevanjavaridham Satchamurtham Chachadam Manantam Kesavanchayva Narayana Samadham Avahaya Satputya Govindan Navadumuttaya Gurudham Sheram Dadakadam Manjakaviyam Palodakam Gandodakam Lohavare Madhidravyalichaved Sri Swamane Namaha Vasudevad Sthana Javadapyo Namaha Jayami Dhyanam Dhamapayami Shubhakari Shri Padmavati Shri Chakravasini Shri Padmavati Shri Nivasapriya Shri Padmavati Shri Shubhalakshmi Shri Padmavati Jaya Jaya Lakshmi Shri Padmavati Jaya Vijaya Om Namo Venkateshaya Om Namo Padmavati Devvei Namaha Aaj Kartik Brahmotsav ke पंचम दिन है और यहाँ पर हम स्नपन तिरुमंजन कार्यक्रम में आप सभी भक्तजनों को इसमें स्वागत करते हैं। लक्ष्मीं क्षीर समुद्र राज तनयाम श्रीरंग धामेश्वरीं दासी भूत समस्त देव वनिताम लोकैक दीपांकुराम तिरुचानूर जो अलमेलु मंगापुर के नाम से भी प्रसिद्ध है यहाँ श्री पद्मावती मैया के वार्षिक कार्तिक ब्रह्मोत्सव के संदर्भ में अनेक प्रकार के उत्सवों को मनाया जाता है। उनमें से स्नपन तिरुमंजनम भी एक है, जिसको हम पवित्र स्नान भी कहते हैं। यह तिरुचानूर मंदिर में स्थित श्री कृष्ण स्वामी मुख मंडप में बहुत ही शोभायमान तरीके से मनाया जा रहा है और इस अवसर पर आप देख सकते हैं मंडप को भी अनेक प्रकार के फूलों से एवं फलों से बहुत ही सुंदर पूर्वक सजाया गया है और इस सुसज्जित मंडप में माता को पांचरात्रागम शास्त्र के विधि विधानों के अनुसार बहुत ही वैभवपूर्ण से तिरुमंजनम अर्थात पवित्र स्नान को संपन्न किए जाने वाला है। देखिए माता को कितने ही सुंदर तरीके से वह शोभायमान है, विराजित है यहाँ पर, और यहाँ अर्चकगण उस पूजा विधि के क्रम में वे लोग लगे हुए हैं। लक्ष्मी क्षीर सागर कन्या कहलाने वाली पद्मावती मैया को यहाँ पर कई प्रकार के दूध दही वगैरह सभी से अब अभिषेकित करने जाने वाले हैं और उसके पहले यहाँ इस तरह से धूप दीप के साथ माता को यहाँ पर पूजा का कार्यक्रम में वे लोग संपन्न हो रहे हैं। देवी माँ स्वयं पवित्र हैं, उनको कोई इस प्रकार की स्नान वगैरह करवाने की जरूरत नहीं है।
और फिर भी यहाँ पर ये जो तिरुमंजनम कार्यक्रम क्यों चलाया जाता है, यहाँ ये एक बहुत ही विशेष प्रक्रिया है जिसमें माता का जो अभिषेक कार्य रचा जाता है। माता को तिरुमंजनम अर्थात जो अभिषेक ही है। मानव मात्र से हुई गलतियों को, पापों को सुधारने का या फिर प्रक्षालन करने का एक मौका है। देवी माँ स्वयं पवित्र हैं, उनके लिए किसी प्रकार की स्नान की जरूरत तो नहीं है, फिर भी ये इस प्रकार का कार्य किया जाता है क्योंकि माता भक्त वत्सला है। माता भक्तजनों का उद्धार करने के लिए ही इस प्रकार का कार्यक्रम हमसे करवाती हैं। हमारे पापों का हरण करना ही उनका उद्देश्य है। इस प्रकार की अभिषेक वह इसीलिए करवाती हैं। मंत्रयुक्त शीतल जलों से भीगती हुई पूरे जगत को, विश्व को शीतलता को प्रदान करती है माता पद्मावती। देखिए यहाँ पर हम पुष्करिणी के दर्शन कर सकते हैं और आलय का बाहरी भाग को भी हम दर्शन कर सकते हैं। श्री पद्मावती माता की स्नपन तिरुमंजनम कार्यक्रम को हम अपने नेत्रों से देखते हुए मैया की अनुग्रह को हमें प्राप्त करने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त होने वाला है। देखिए यहाँ कितनी ही सुंदर तरीके से माता को अलंकृत किया गया है। वैसे तो किसी भी चीज से या किसी भी वस्तु से अलंकृत करते हैं तो उस वस्तु की शोभा बढ़ जाती है। साधारणतया वाहन सेवाओं में या फिर अन्य सेवाओं में माता को विविध प्रकार के आभूषणों से, गहनों से अलंकृत हम देखते हैं। यहाँ पर भी एक तरह से माता को अलंकृत किया गया है, लेकिन इसके बाद यानी कि इस तरह का जो पूजन विधि के बाद हम मंगलप्रदमयी माता को हल्दी वस्त्र को धारण करते हुए हम देख सकते हैं और उनको पंचामृतों से अलंकृत होकर प्रकृत सिद्धि के रूप में दर्शन वह हमें देती है। वरद हस्त कटिहस्त में पद्मों को धारण कर वह अनुग्रह हमें करती है। पद्म को धारण किए माता हमारे गृहों में से प्रवेश करने के लिए अपने आप को वह चंदन से भी वह अलंकृत कर भक्तजनों को वह दर्शन देने के देती है। पद्मावती माता को किए जाने वाला यह अभिषेक पूरे विश्व को मोक्ष प्रदान करता है। तिरुमंजनम का अर्थ ही मंगल स्नान है और इसी सेवन इसी कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ अर्चकगण जो पूजा विधियों को वे बहुत ही भक्ति एवं श्रद्धा के साथ कर रहे हैं। ऐसे मंगल मूर्ति को हम बहुत ही निकट से जो देख रहे हैं, यह हमारे कई जन्मों का जो पुण्य फल है। संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी ही है। वह मनोहर मुग्ध दुष्टिमाला सभी को संपत्ति प्रदान करती है माता भगवती लक्ष्मी। वह कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा है लक्ष्मी। देखिए यहाँ पर कई प्रकार से जो वस्तुओं के साथ मंडप को भी बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। जो मनुष्य प्रतिदिन वेदत्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की नित्य निरंतर स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर जिस
दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। वह अन्य कोई नहीं, वह पद्मासना पद्म विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमयी दृष्टि वाली लक्ष्मी ही है, जो हमारे मनोवांछनाओं की पूर्ति करती है। देखिए यहाँ पर कई प्रकार के पुण्य वस्तुओं के साथ यहाँ पर दर्पण को भी दिखाया जा रहा है माता को। तो ये सब पांचरात्र आगमों के विधि विधानों में वो जो ये सभी प्रक्रियाओं का अनुसरण करते हुए अर्चकगण यहाँ इस पूजा को वे लोग संपन्न कर रहे हैं। मंगल वाद्यों के साथ यहाँ पर इस पूजन विधि को हम देख सकते हैं। समस्त जीवों की माता का पवित्र अभिषेक को देखने का सौभाग्य आज हमें प्राप्त हुआ है। भगवान विष्णु की प्रिय पत्नी माधव प्रिया, भगवान अच्युत की प्रेयसी क्षमा की मूर्ति लक्ष्मी देवी का हमें बारंबार नमन करना चाहिए, क्योंकि वह ऐश्वर्य प्रदायिनी है। और घर में सुख शांति, अगर हमें सुख शांति समृद्ध तरीके से हमें रहना है तो लक्ष्मी को हमें जरूर उनका नमन करना चाहिए। हमें सिद्धि देने वाली है, बुद्धि प्रदान करने वाली है, भोग और मोक्ष को भी वही हमें देती है। भगवती लक्ष्मी ऐश्वर्य प्रदायिनी है, वह आदि अंत रहित आदि शक्ति कहलाई जाती है। यह पीठ श्री पीठ पर स्थित और देवताओं से पूजित होने वाली महामाया है भगवती लक्ष्मी। आज हम उसी माता की पूजन विधि को जो स्नपन तिरुमंजनम जो कहते हैं, उसी के बीच के जो विधि विधानों को हम देख रहे हैं। अब आगे शुरू होने वाला है ऐसा कार्यक्रम और उसी के अंतर्गत यहाँ पर जल वगैरह चढ़ाकर माता की पूजन विधि का कार्यक्रम अभिषेक का कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। और इन पवित्र जलों से, क्योंकि पहले यहाँ पर कलश की पूजा किया गया, कलश की स्थापना किया गया और उसके बाद कलश की पूजा करने के बाद यहाँ पर ये वो मूर्ति को, उस दिव्य मूर्ति को रगड़ रगड़ कर वे लोग बहुत ही सुंदर तरीके से इस अभिषेक के कार्यक्रम को अर्चकगण यहाँ शुरू कर रहे हैं और हमें देखने का सौभाग्य यहाँ पर प्राप्त हुआ है। वह शंख चक्र गधा धारण करने वाली माता आज हम इस मूर्ति में हम देख रहे हैं। दोनों हाथों में पद्म है और यहाँ बहुत ही सुंदर तरीके से माता अपना दर्शन दे रही है। कमल वासनी कहलाने वाली माता आज यहाँ पर इस आसन पर बैठकर भक्तों के मिन्नतों को वह पूर्ण करती है। हल्दी और चंदन लक्ष्मी देवी का निवास स्थल माने जाते हैं और इसीलिए यहाँ पर इस कार्यक्रम को हम Ha ha ha.
Shonam Dupamanda
Yeah.
Amen.
ప్రత్యక్షం బ్రహ్మాసి స్వామేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మావాదిశ రతమవాదిశ సత్యమవాదిశ తన్మామావీత్ తద్వక్తారమావీత్ ఆవీన్మావీత్ వక్తారం ఓం శాంతి 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 మాతరే స్వాచన్న స్తవతు సూర్య
ప్రతిధీయత Yeah.
Shanti
Sandhi
Mahayate Brahma Mahatma
वायते वायोः स्ववरित्या नित्यः महायते चन्द्रमा चन्द्रमसमेव सर्वाणि ज्योतिगुंषिमहीयन्ते हरिदेवार्चः भव इति सामानि भवहृदयजो गंषि महायते ब्रह्म ब्रह्मणा वाव सर्वे वेद महीयन्ते भरिति वै प्राणः भव इत्यपानः स्वभरिति व्यानः ्याहृदयः वायवेद समेत ब्रह्म सर्वे स्मै देव बलिमावहन्ति स य एष इन्द्रहृदयः आकाशः तस्मिन्नयं पुरुष मनो मयः अमृत हिरण्मयः अन्तरेणतालोके य एष स्तन इव बलं पते इन्द्रयोनिः यत्र सौके शान्तो विवर्तते शिरुषगभ प्रतिष्ठति वायौ स्वभरित्यादित्ये महायते ब्रह्मणे आप्नोति स्वराज्यम् आप्नोति मनसस्पदम् वाक्पतिश्चक्षुष्पतिः ज्ञानपतिः एतत्तत् भवति आकाशशरीरं ब्रह्मा सत्यत्मप्राणरमं मनः आनन्दं शान्तिसमृद्धममृतम् इति प्राचीनयज्ञोपा चन्द्रमा नक्षत्राणि आपघोषधयो वनस्पतयः आकाश आत्मा इत्यधिभूतम् प्राणव्यानपरमुदनस्समानः क्षस्राद्रह्मणो वाक्त्वके चर्म मा
ప్రతిగరం ప్రతిగృణాతి ఓమే బ్రహ్మా ప్రసౌతి Yeah.
ప్రసిద్ధవ్యం శ్రద్ధయా దేయం అశ్రద్ధయా దేయం శ్రియా దేయం క్రియా దేయం సంవిద దేయం సంవిద దేయం అథయతి తే కర్మ విచికిత్సా వావృత్త విచికిత్సా ప్రతిష్టా శ్లోక
తిరుపతి. ఓం నమో వెంకటేశాయ, ఓం నమో పద్మావతి దేవ్యై నమః. కార్తీక బ్రహ్మోత్సవకే ఉపలక్ష్యమే మనాయే జానే వాలే తిరుమంజనం కార్యక్రమ కో హమ్ వీక్షిత్ కర్ రహే హే. ఔర్ యహాం పర్ హమ్ లోగోన్ నే దేఖా కితనే సుందర్ ఢంగ్ సే ఆజ్ మాతా కా మంగళ స్నాన్ కర్వాయా గయా అర్చక గణోన్ ద్వారా. ఇస్ తిరుమంజనం ఉత్సవ్ మే పహలే విశ్వక్సేన్ కీ ఆరాధనా, పుణ్యాయః వాచన్, నవ కలశోం కా అభిషేక్, రాజోపచారోం కా సమర్పణ్ కియా గయా. ధూప దీపోం కో సమర్పిత్ కర్నే కే బాద్ మే అర్ఘ్య పాద నివేదన్ కే అంతర్గత్ దూధ్ దధి యానీ కి దహీ ఔర్ మధు శహద్ ఔర్ నారియల్ హల్దీ ఏవం చందన్ కే ద్వారా హమ్ లోగో నే మాతా కా స్నప్న తిరుమంజనం యానీ కి ఉన్కా మంగళ స్నాన్ కో హమ్ లోగో నే దేఖా థా. ఔర్ యే జో దూధ్ సే దహీ సే మధు సే నారియల్ సే అభిషేకిత్ జో మాతా కో హమ్ దేఖ్ రహే హే, తో యే క్యోం ఇస్ తరహ్ సే కర్తే హే? క్యోంకి ప్రత్యేక పదార్థ కా ఏక్ విశిష్ట స్థాన్ హే. దూధ్ జో హే వో గో క్షీరమో భీ కహా జాతా హే. ఔర్ ఇస్ గాయ్ కే దూధ్, గాయ్ జో హే వో బహుత్ హీ పవిత్ర, హమారే భారతీయ సంప్రదాయ మే హమ్ గాయ్ కో గోమాతా కే రూప్ మే ఉస్ ఉన్కా పూజన్ కర్తే హే. ఔర్ గాయ్ సే ఆనే వాలే జో దూధ్ మే బహుత్ సారా వోజ్ తత్వ హోతా హే. ఔర్ యే హమారే స్వాస్థ్య కే లియే భీ బహుత్ హీ అచ్చా మానా జాతే హే. ఆయు కో భీ వహ్ బడాతా హే, ఇసిలియే దూధ్ సే మాతా కో అభిషిక్త్ కియా గయా. ఔర్ దూసరా జో హే దహీ, దహీ జో హే వహ్ మేధా శక్తి కో బడాతా హే, పాచన్ శక్తి కా భీ వహ్ వృద్ధి కర్తా హే. తో ఇసిలియే దహీ కే సాథ్ ఔర్ వహ్ భీ హమే స్వస్థ్ బనాయా రక్తా హే. దహీ ఖానే సే హమే శీతలతా పహుంచతా హే, తో ఇసిలియే దహీ భీ బహుత్ హీ బడియా వస్తు హే. ఘీ దేవతాఓం కా ఆహార్ మానా జాతా హే. ఔర్ హమారే ఆయు కో బడానే వాలే రూప్ మే భీ హమ్ ఘీ కో మాన్తే హే. ఔర్ అగలా జో రహా మధు, మధు యానీ కి శహద్, శహద్ క్యోం కిస్లియే? క్యోంకి యే వాక్ శక్తి కో బడాతా హే. హమ్ ఛోటే బచ్చోం కో భీ జబ్ పైదాయిషీ బచ్చోం కో సుబహ్ హీ థోడా సా శహద్ ఉన్కో ఉన్సే చట్వాతే హే. కిస్లియే? క్యోంకి వో హమ్ ఉన్ బచ్చోం కే వాక్ శక్తి కో బడానే కే లియే. ఔర్ ఉసీ ప్రకార్ సే యే జో శహద్ జో హే వో హమారే అందర్ కీ జో చర్బీ కో భీ గలాతా హే. ఇస్ తరహ్ కే బహుత్ హీ స్వస్థ్ వస్తువోం కే సాథ్ మాతా కా యహాం పర్ మంగళ స్నాన్ కర్వాయా గయా. ఔర్ దూసరా హే నారియల్ పానీ, నారియల్ పానీ జో హే రుచి ఔర్ శుచి సే రహతా హే. ఔర్ ఇస్కో భీ హమ్ బహుత్ హీ పవిత్ర వస్తువు కే రూప్ మే మాన్తే హే. హమారే శరీర్ కో వహ్ శీతల్ పహుంచాతా హే, జఠరాగ్ని కో యహ్ బడాతా హే. ఇస్ ప్రకార్ కే అనేక్ ప్రకార్ కే వస్తువోం కే సాథ్ పంచామృతోం కే సాథ్ మాతా కా జో పూజన్ హమ్ లోగోన్ నే దేఖా థా, అభిషేక్ కో హమ్ లోగోన్ నే దేఖా థా. ఔర్ అర్చక్ గణ్ అబ్ ఫిర్ యహాం పర్ పూజా కార్యక్రమ్ మే జో ఉస్ చంద్రమా కీ ఆభా కే సమాన్ శీతల్ ఔర్ సూర్య కే సమాన్ పరమ తేజోమయ మాతా కా పరమేశ్వరీ లక్ష్మీ జీ కా జో పూజా కర్ రహే హే, ఉస్కో హమ్ అపనే భక్తి భక్తజనోం కే ద్వారా భీ హమ్ యాన్ దేఖ్ సక్తే హే. బహుత్ సారే భక్తజన్ యహాం పర్ బైఠే హే ఔర్ ఉన్కా వీక్షణ్ కర్ రహే హే. కలియుగ దేవ్ శ్రీనివాస ప్రభుని జిస్ స్థాన్ పర్ 12 వర్షోం కే లియే తపస్యా కియా థా వహీ యహ్ పుణ్యక్షేత్ర తిరుచానూర్ హే, జో అలమేలు మంగా కే రూప్ మే భీ ప్రసిద్ధ హే.
यहाँ उसी जिस प्रकार से ये वैकुंठ है, यानी कि तिरुमला को वैकुंठ कहते हैं, ये भी वैकुंठ ही है जो माता भगवान श्री विष्णु के पास यानी कि श्री वेंकटेश्वर स्वामी के नज़दीक रहकर हमारे मनोकामनाओं को भगवान तक पहुँचाती है। सर्वलक्षण संपन्नमयी है माता, वह आश्रितों के सभी पापों को उनके संकटों को दूर भगाने में ही वह सोचती है, यानी कि हमें हमेशा स्वस्थ और स्वच्छ रखने की कामना महालक्ष्मी करती है। तो इसीलिए हमें भी उनका पूजन सेवन ये भक्ति एवं श्रद्धा के साथ हम लोगों को करना चाहिए। श्री का अर्थ जो हम लोगों ने लक्ष्मी जो माना जाता है, और लक्ष्मी जो है वो लोक माता है, जगत जननी है, और श्री कई प्रकार के नामों से उनको पुकारा जाता है, और उसमें पद्मालया एक है, और मंगल रूपी के रूप में भी माता को बताया जाता है। वह माता वज्र रत्न मणि माणिक्य से युक्त कई प्रकार के आभूषणों से सुंदर रूप से सज दज कर पुरवीथियों में परिक्रमा करने के लिए निकलने वाली माता आज तिरुमंजनम में बैठकर, यानी कि यहाँ पर तिरुमंजनम करवाती हुई, मंगल स्नानों को करती हुई वह भक्तजनों को दर्शन दे रही है। लक्ष्मीं क्षीर समुद्र राज तनयाम कहा गया माता जगत जननी को, क्यों उनके जो आज हम इस कार्यक्रम को देख रहे हैं ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। सांसारिक विषय वासनादि के विमुख होते ही हम ईश्वरोन्मुख हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि माता सर्वेश्वरी है और सर्वसंपन्नमयी है। विष्णु पत्नीं क्षमां देवीं माधवीं माधव प्रियां लक्ष्मीं प्रिय सखीं देवी कहा गया उनको। भगवान विष्णु की प्रिय पत्नी माधव प्रिया हमेशा भक्तजनों के करीब रहती है। महादेव्ये च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीं प्रचोदयात्, यानी कि हम महादेवी का लक्ष्मी का हम स्मरण करते हैं तो विष्णु पत्नी लक्ष्मी हम पर कृपा करके हमेशा हमारे सत्कार्यों की ओर हमें प्रवृत्त करती है। तो इसीलिए महालक्ष्मी का पूजन सेवन हमें हमेशा करना चाहिए, क्योंकि विष्णुपति पत्नी सरसज निलये सरोज हस्ते कहा गया। देखिए कितने का नामों से उनका बुलाया जाता है उनको, और श्वेत धारिणी है वह, स्वच्छ धारिणी है, वस्त्र स्वच्छ वस्त्रों की धारिणी के रूप में भी उनको बताया जाता है। वह उनके पूजन करने से हमारे अंदरूनी जो क्रोध है वह सब दूर भाग जाते हैं। हम इंद्रिय निग्रह होकर भगवान के पूजन जब भी हम करते हैं तो हम सर्व मंगलों को हम प्राप्त कर सकते हैं, धन धान्य की समृद्धि होती है। इसीलिए लक्ष्मी सूक्त और इन सभी महालक्ष्मी अष्टकम इन सभी में भी इन्हीं का उल्लेख किया गया है। वैदिक साहित्य में भी जीव और जीवात्मा के बारे में जो बताया जाता है कि ये दोनों विभिन्न नहीं हैं। हम कभी भी अंधकारपूर्ण भौतिक प्रकृति से हम मिल जाते हैं तो पदार्थ को अपना स्वरूप मान लेता है, तो कभी वह परा आध्यात्मिक प्रकृति के साथ मिल जाता है। इसीलिए वह परमेश्वर की तटस्थता शक्ति कहलाता है। भौतिक या आध्यात्मिक प्रकृति के साथ अपनी पहचान के अनुसार ही उसे भौतिक या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। मनुष्य को जो शरीर प्राप्त हो रहा है ये मानव जन्म दुर्लभ से मिलता है, और हमें अगर इस तरह का जो शरीर प्राप्त हो रहा है तो उसका ठीक तरह से उपयोग करना चाहिए। हमें अपने भक्ति में तल्लीन होकर
हम जब भक्ति में तल्लीन होते हैं तो जरूर हमें मोक्ष प्राप्ति होती है। भौतिक प्रकृति में वह 84 लाख योनियों में से कोई भी शरीर धारण कर सकता है, किंतु आध्यात्मिक प्रकृति में उसका एक ही शरीर होता है। भौतिक प्रकृति वह अपने कर्म के अनुसार कभी मनुष्य रूप में प्रकट होता है तो कभी देवता, पशु, पक्षी आदि के रूप में प्रकट होता है। स्वर्गलोक की प्राप्ति तथा वहां का सुख भोगने की इच्छा से वह कभी कभी यज्ञ संपन्न करता है, किंतु जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है तो वह पुनः मनुष्य रूप में पृथ्वी पर आ जाता है। यह प्रक्रिया कर्म कहलाती है। देखिए यहाँ पर पुनः एक बार हम माता के पास आ गए हैं, वहाँ पर माता की वो सहस्र तुलसी दलों की माला के साथ यहाँ पर अलंकृत किया गया है और यहाँ पूजन हारती देकर माता की पूजा, फिर एक बार अभिषेक के लोग करेंगे। अभिषेक यानी कि यहाँ पर शुद्ध जलों के साथ जो सहस्र छलनी लेकर उस सहस्र छलनी के द्वारा फिर उनको यहाँ पर मंगल स्नान किया जाता है, करवाया जाता है। देखिए विष्णु प्रिया विष्णु को ये जो तुलसी दल जो है वो बहुत ही पसंद है, तो विष्णु प्रिया जो है वहाँ यहाँ पर उन्हीं विष्णु तुलसी दलों के साथ अलंकृत होकर हमें दर्शन दे रही हैं। कितनी सुंदर ढंग से उनको यहाँ पर सुसज्जित किया गया है, अलंकृत किया गया है। हमारे सर्व पापों का हरण जो है इस दिव्य भव्य मूर्ति के दर्शन मात्र से ही दूर भाग जाते हैं। और यहाँ पर इस अभिषेक कार्यक्रम के लिए तैयार हो रहे हैं जो सहस्र छलनी है, और इसी से फिर एक बार मंगल स्नान जो है वह करवाया जा रहा है माता को। विश्वकारिणी श्री पद्मावती, विश्वरूपिणी श्री पद्मावती, वेद स्वरूपिणी श्री पद्मावती, वेंकटनायकी श्री पद्मावती, जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती, जय विजय लक्ष्मी।
లక్ష్మీ శ్రీ పద్మావతి జయ వరలక్ష్మీ శ్రీ పద్మావతి జయ మహాలక్ష్మీ శ్రీ పద్మావతి విశ్వవందిత శ్రీ పద్మావతి వీణా గాన ప్రియ శ్రీ పద్మావతి వైభవదాయిని శ్రీ పద్మావతి వైభవలక్ష్మీ శ్రీ పద్మావతి జయ జయ లక్ష్మీ శ్రీ పద్మావతి జయ విజయ లక్ష్మీ శ్రీ పద్మావతి జయ వరలక్ష్మీ శ్రీ పద్మావతి జయ మహాలక్ష్మీ శ్రీ పద్మావతి జన పోషిణి శ్రీ పద్మావతి శ్వేతాంబరధరి శ్రీ పద్మావతి శ్రేయోదాయిని శ్రీ పద్మావతి శోక వినాశిని శ్రీ పద్మావతి జయ జయ లక్ష్మీ శ్రీ పద్మావతి జయ విజయ లక్ష్మీ శ్రీ పద్మావతి జయ వరలక్ష్మీ శ్రీ పద్మావతి జయ మహాలక్ష్మీ శ్రీ పద్మావతి సకల శుభంకరి శ్రీ పద్మావతి సద్గుణ సంభృత శ్రీ పద్మావతి సద్గుణవర్షిణి శ్రీ పద్మావతి సద్గతిదాయిని శ్రీ పద్మావతి జయ జయ లక్ష్మీ శ్రీ పద్మావతి జయ విజయ లక్ష్మీ శ్రీ పద్మావతి జయ వరలక్ష్మీ శ్రీ పద్మావతి జయ మహాలక్ష్మీ శ్రీ పద్మావతి